हेलो यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर, ये किसी बच्चे ने अपना फीडबैक शेयर किया। ठीक। अरे बैच कौन सा है? PCP2 सर। क्यों भाई, लोग क्यों नहीं आए हैं बैच में?
हाँ यार, कहाँ पे थे अपन कल? क्या अच्छा, अपने को अपना होमवर्क डिस्कस हो गया था क्या? 12.1 हो गया था। 12.1 हो गया था। हेलो। हाँ सर। yes, हाँ सर, हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे। ठीक है, अपना होमवर्क क्या था आज का? सर 12.2 था और वो मिसलेनियस। 11th का NCERT 15.1 statistics। आप लोग को भी कुछ SMS आया है क्या? स्पेशली जो AP2 जिसमें KTW सर पढ़ाए थे, उसमें कुछ SMS आया है क्या बच्चों को सिलेबस को लेके? कोई AC2 से है क्या यहाँ पे? यस सर, यस सर। KTW सर पढ़ाए थे, AC2 में नहीं पढ़ाए थे? No, sir. आप लोग केमिस्ट्री कौन पढ़ाया था साल भर? सर पहले पढ़ाया था सर ने, फिर उसके बाद अशोक सर। अच्छा, इवाड़ी सर आ गए थे क्या? अच्छा, और AP2 में? फिर कमेश सर थे, फिर विक्रम सर और अशोक सर पढ़ा रहे। हाँ, तो कमेश सर ने अच्छा कमेश सर थे। कोई मैसेज आया है क्या आप लोगों को कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वगैरह, कुछ मैसेज आया है क्या कहीं से? हेलो सर, मतलब नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कोई मैसेज आपको कुछ आया है क्या कहीं किसी दूसरे नंबर से कि बोरीवली पे या कहीं पर तो सिलेबस खत्म नहीं हुआ और वगैरह वगैरह, कोई इस टाइप का मैसेज आया है क्या? नो सर। नो सर। ठीक ठीक। एनीवेज अपन क्या पढ़ रहे थे? स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे ना। होमवर्क क्या था स्टैटिस्टिक्स में? 11th NCERT 15.1। अच्छा, फिर तो 12th का भी एनसीईआरटी का होमवर्क होगा ना। अच्छा, अपनी क्लास तो कल ही थी, अपनी क्लास तो कल ही थी ना? हाँ सर। हाँ सर, आज आपका आज ही नया टाइम टेबल आया जिसमें आपका लेक्चर था। तो आप लोग होमवर्क कैसे करोगे? होमवर्क किए हो क्या? नहीं सर। तो पहले क्लास कब थी आज का? नहीं हुआ। LPP का हुआ है क्या कि कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें क्या करें? सर 12.2 हो गया। हाँ सर 12। हाँ सर 12.2 हो गया। चलो बोलो 12.2 बोलो, डाउट है क्या? सर मेरे बन गए सारे। किसी और के डाउट है तो बोलो। Anybody having any doubt? 12.2 ही discuss करते हैं, miscellaneous next class में कर लेंगे, ठीक है? 12.2 doubt है किसी के? No sir। No sir। अच्छा, statistics वाले में कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग कल? अच्छा, आपको mean वीन निकालना सिखा दिया था, है ना? Median of continuous data हो गया था। तो mean deviation निकालना सिखाया था क्या? Mean deviation formula दिया था ना? हाँ सर, डेराइव किया था। हाँ नहीं नहीं, मीन डेविएशन का मैंने फॉर्मूला दिया होगा ना, व्हाट इज मीन डेविएशन, कैसे डिफाइन होता है मीन डेविएशन? हाँ, मीन डेविएशन क्या होता है? किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। कैसे होता है? समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए बाई समेशन एफ आई। यहां तक क्लियर है? यस सर। किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं, ठीक है? फिर एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। आप समझो इसको मीन डेविएशन क्यों कहा जाता है? ये ऑलमोस्ट मीन टाइप ही है ना? ये ऑलमोस्ट yes, कैसा yes, है बताओ? मीन टाइप ही है। और क्या है ये? डेविएशन है। किसके अबाउट? ए के अबाउट। ये बात चमकती है? स्टैंडर्ड डेविएशन देखो कैसे होता है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, ध्यान देना, ये भी सेम होता है, बस यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। और लेकिन ये चीज है कि ये हमेशा बस मीन के अबाउट ही लिखते हैं इसका डेविएशन। ये देखो, ये बात चमकती है? और ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है ये?
स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और बार बताओ। ये फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है। देख FI, यहाँ पर कैसा है तेरा डेविएशन अबाउट ए है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर ऑफ डेविएशन। इतना क्लियर है? यस सर। यहाँ पे क्या है बताओ, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यहाँ पर क्या है समेशन FI, ठीक है। थर्ड पॉइंट, समेशन स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वेरिएंस। समेशन स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वेरिएंस। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। इसको क्या रीड करते हैं? सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वेरिएंस। वेरिएंस, ठीक है। फोर्थ चीज होती है एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स बार। कैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, इसको बोलते हैं सीवी। ये डिफाइंड कैसे है देखो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100। क्या होता है बताओ? सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100। यहां तक क्लियर है? यस। सर वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अंडर रूट में है ना? क्या हुआ? सर वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अंडर रूट में है ना? हाँ। यहां तक क्लियर है? यस सर। ये चारों चीज सबको क्लियर है क्या अच्छे से? मुझे एक चीज बताओ, 15.1 जो तुम लोग किए थे, आंसू आ गए कि सॉल्व कर पाए? सर सॉल्व कर भाई, 15.1 सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए बताओ पहले मुझे। कर पाए यस सर, कर पाए। ठीक है, हो गया सर। नोट, The lower the CV, the stable the series is. देखो कैसा होता है, सुनो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, ठीक है। आपने मान लो दो बच्चे हैं, राम और श्याम, ठीक है। एक का क्लास वन में 80%, ध्यान देना, क्लास वन टू थ्री फोर फाइव सब में उसका 80, 90, 85, 90, 80, और एक बच्चा है जिसने 100 मारा 50 मारा 50 मारा
जीरो मारा, सौ मारा, समझ रहे हो? तो मान लो मैं आप लोग को अगर ये आइडिया है कि मैं टोटल मार्क्स की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की बात कर रहा हूँ, तो इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है बताओ, इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, ऊपर वाले डेटा को ऐड करने पे कितना आ रहा है बताओ? अरे कोई बोलेगा यार, प्लीज बोलो यार। 425 आ रहा है, और यहाँ पर 300 ये डाटा में ढंग से दे नहीं पाया। चलो इसको भी 100 कर लेते हैं, और ठीक है मैं आपको एग्जांपल से ही समझा, आपको क्वेश्चन में आगे एग्जांपल बताऊंगा। जिसकी जिस डेटा की सीवी छोटी होती है ना, वो उतना स्टेबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेबल। तो कैसा होता है, सुनो मैं आपको एक ओरल एग्जांपल देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। एक क्रिकेटर है, ठीक है, उसने 10 मैच खेले, 3 में 100 मारा और 7 में 0 मारा, ठीक है। एक दूसरा क्रिकेटर है, उसने सारे मैच में 30-30-30-30 मारा, ठीक है। आप कैप्टन हो और प्रैक्टिकल कैप्टन हो, बेवकूफ कैप्टन नहीं हो। मैं अगर कैप्टन हूंगा मैं तो 30 वाले को लूंगा, क्यों लूंगा? और ये भी है, सुनो ये भी है कि अगर वो मैच हारोगे ना तो तुम्हारा गर्दन काट दिया जाएगा। अब बताओ तुम किसको लोगे, 100 वाले को कि 30 वाले को? 30 वाले, समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसको सीवी कहते हैं, तो निकालोगे तो सीखोगे। इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। हायर द सीवी द मोर वेरिएबल द डेटा इज, इतना क्लियर है? Yes, sir. ये चारों फॉर्म, yes, फिलहाल तो आप ये चारों फॉर्मूले नोट कर लो। सर सीवी का मीनिंग नहीं समझा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसको बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है? सिग्मा बाय एक्स बार इनटू 100। किसी भी डेटा का ना हमेशा सीवी निकाल के कमेंट करते हैं कि वो डाटा स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल मतलब ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी अगर, तो मैं डेटा को नहीं लूंगा ना यार। अगर मान लो किसी प्लेयर के परफॉर्मेंस में बहुत वेरिएबिलिटी है, तो आई विल प्रेफर ना कि मैं ऐसा प्लेयर को टीम में नहीं लूं। बताओ। हां सर। यस सर। और इतना क्लियर है क्या? यस सर। रब करें। यस सर। कॉपी कर ले सबने। पहले आप क्वेश्चंस करो इस पे, देन मैं एक और इंपॉर्टेंट प्रूफ करूंगा, फिर टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। XI FI 4 8 11 17 20 24 32, इसका FI क्या है? 3 5 9 5 4 3 1। आप इस डेटा का वेरिएंस निकालो, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, एक कंटिन्यूअस का देता हूं, 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80 80 से 90 90 से 100। FI क्या जाएगा? 3 7 12 15 8 3 2, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वापस से क्या निकालना है बोलो? वेरिएंस एंड हेलो क्या निकालोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन क्लास में ही करेंगे अपन, और
देन अपन टॉपिक को फिनिश कर देंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग पढ़ के आए और रीजनिंग भी खत्म कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग कितने लेक्चर फॉरवर्ड हो जाएंगे नैतिक सिलेबस से? सर शायद दो लेक्चर्स। उस दो में क्या करेंगे? डिस्कशन, रिवीजन 11th। समझा टाइम कैसे निकलेगा रिवीजन का? यस सर। सर मतलब अगले लेक्चर में रीजनिंग करेंगे? पहले आप लोग पढ़ के आएंगे, मतलब आपको लेक्चर का तो मिल गया ना, वीडियो नहीं मिला अभी तक? मिला सर। तो पढ़ के आइए, इन दोनों डेटा में आपको बताना है कौन ज्यादा वेरिएबल है, ए डेटा या बी डेटा। ये तीन क्वेश्चन करिए।
सर थोड़ा साइड
सर एक मिनट सर, सर अगर 12x 40.9 आ रहा तो 41 पकड़ सकते हैं।
डाटा 13.9 आए चाहे 14 आए, जो है वही लेना होता है। ओके सर। अरे आंसर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया। टाइम लगता है?
टाइम लगता है कितना सबका हो गया क्या नहीं पहले सर, में कितना क्या बोल रहे हो सर सारे नहीं हुए लास्ट वाला चालू है कर भाई कर
हेलो हेलो यस सर यस सर हाँ भाई आ गया आंसर लास्ट वाले में क्या पढ़ा लास्ट अरे आंसर आया कि नहीं आया चल रहा है अभी तक कौन सा कर रहे हो सर हो गया सर हेलो आवाज आ रही है क्या यस क्वेश्चन हो गया कि नहीं चल रहे हैं अभी तक कौन सा पहला वाला हो गया हाँ सर क्या है पहले वाले का आंसर थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा यार बस अपने मेंस में थोड़ा ना आएगा इतना बोर्ड में तो है ही नहीं है तो अपन जिस पार्ट के लिए कर रहे हैं उस पार्ट तक जल्दी से पहुंचते हैं ना बताओ कितना आया पहले का आंसर वेरिएंस 45.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन 6.76 मेरे को नहीं अंतर पड़ता कि आप कैलसी से निकाल रहे हो कि रिमोट से निकाल रहे हो ठीक है पहले का आंसर कितना है बताओ सर वेरिएंस 45.8 और वेरिएंस वेरिएंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर कितना है 45 ऊपर वाला वेरिएंस क्या हुआ ठीक है दूसरे वाले में क्या है सेकंड क्वेश्चन बताओ सर वेरिएंस 201 और स्टैंडर्ड डेविएशन 14.17 वेरिएंस 201 और स्टैंडर्ड डेविएशन 14.18 ये बात चमकती है इन दोनों डेटा में ए और बी सेट के लिए सिग्मा कितना आया बताओ और मीन कितना आया बताओ उसके बाद ही ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलेगा देखो मुझे नहीं अंतर पड़ता है सुनो सुनो मुझे अंतर नहीं पड़ता है कि तुम उससे यूज कर रहे हो सर बोलो सर मेरा फर्स्ट और सेकंड का आंसर अलग आ रहा है नहीं जो बोर्ड पे किया बेटा सही किया थोड़ा चेक करो सर ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 10.58 और बार एक्स 40.9
हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। ए का कितना आया है? 10.5 आया स्टैंडर्ड डेविएशन और बार एक्स 40.9 है। ए का 10.58 और मीन कितना आया है? 40.9 और बी का सभी का आ रहा है। डाटा बी का कितना आया सर? जो ए है ना उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 12.37 है। कितना? 12.37। ए का क्या सिग्मा? हाँ सर 12.37। ओके और बी का सर? कर रहा हूँ
करो भाई, इतना नैतिक वर्मा इतना टाइम लग रहा है तुमको निकालने में। हो गया सर। सर लेकिन तो बताओ, तो बताओ बी का कितना हो रहा इसका? सर थर्ड वाला मैच नहीं हो रहा, फर्स्ट टू हो गए सर। थर्ड वाला तुम्हारा कितना है सिग्मा और ये एक्स बार? सर सिग्मा 12.34 और एक्स बार 40.95। वही तो लिखा है बोर्ड पे। ओ हाँ हाँ सर, फर्स्ट वाला नहीं हुआ था मैच। कितना टाइम चाहिए तुम लोग को और? सर 2 मिनट। अन्वेषा तेरा भी नहीं हुआ अभी तक? सर मेरा थोड़ा थोड़ा आंसर गलत आ रहा है। और कोई है क्या बच्चा? रूही तुम इसी बैच में हो ना? यस सर। रूही आर यू इन दिस बैच? यस सर। हाँ बेटा आंसर आया क्या? अरे 1 और 2 का आंसर आ गया है क्या सभी का? हेलो। यस सर। ऐसा है ठीक है सर, फर्स्ट का मतलब ए का सीवी 30.2 आता है। अब सीवी गया भाड़ में, मुझे सिग्मा और एक्स बार निकालो, डिवाइड तो कोई भी कर लेगा। आप मुझे डाटा बी का सिग्मा और एक्स बार बताओ बस। सर एक्स बार 37.2 है। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है सच है सही है गलत है। और बी बताओ, सिग्मा बताओ। सर 38.2 आ रहा है। अरे यार तो ठीक है, जो भी है आप लोग ये पहले बैठो घर पे और ये होमवर्क करके आओ। 15.2, 15.3, 15 का मिसलेनियस पता है ना? 15 किस चैप्टर, किस बुक से है? इस बुक से है भाई, 11th की एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स, 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स की। ये बात चमकती है, उसमें आंसर निकाल के ला तो नो चमकी। हमें छोड़ो, थर्ड क्वेश्चन छोड़ ही दो ठीक है, ये करके आओ फिर अपन नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है? ये करके आओगे फिर मैं स्टैटिस्टिक्स का एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है 2-3 वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले आप एक करके आओ सारे लंबे लंबे तरीके। सुनो, अगर बहुत कैलकुलेशन खराब हो रही है ना तो आप आराम से बिंदास कैलकुलेटर यूज करो, अपने मेंस के एग्जाम में ये सब निकालने को नहीं आएगा, इसके कंसेप्चुअल पार्ट पे आएगा, बट एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर बहुत गंदे गंदे स्क्वायर आ रहे हैं, यूज कैलकुलेटर, यूज एक्सेल शीट, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो बाय बाय।